फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डीप लर्निंग में इंप्लीमेंट करेंगे हम। इसमें CNN एल्गोरिथम यूज़ करेंगे एंड और भी मॉडल्स यूज़ करेंगे, पैकेजेस यूज़ करेंगे, लाइब्रेरी यूज़ करेंगे हम इसमें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो जो वीडियो है, सबसे पहले मैं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लेकर आती हूँ एंड आगे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लेकर आऊँगी। एंड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आप चाहते हैं मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इसमें मेन क्या होता है, हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, हम एनालाइज करने जा रहे हैं बर्ड स्पीसीज डाटा सेट को। ओके, तो मैंने जो डाटा सेट लिया हुआ है उसमें मेनली 25,812 ट्रेन इमेजेस हैं, 950 वैलिडेशन इमेजेस हैं एंड 950 टेस्ट इमेजेस हैं। ओके, तो इतनी इमेजेस मैंने ली हैं। तो जो बर्ड का भी डाटा सेट होता है उसमें स्पीशीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, हर स्पीशीज़ के डिफरेंट नाम होते हैं, तो वही हम इसमें क्लासीफाई करके आउटपुट देंगे। ओके, तो बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, आप इसे वीडियो को पोज करके बाद में अच्छे से पढ़ सकते हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट में फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो आपको जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव क्या है मेन आपका, तो वो आप, मैंने लिखा हुआ है इसमें इसीलिए, तो आप मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा सेट, लाइक हमारे डाटा सेट में कितनी इमेजेस हैं और वैलिडेशन इमेजेस एंड टेस्ट इमेजेस आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो मैंने नंबर्स मेंशन किए हैं इसमें एंड जो इमेजेस हैं वो क्या होता है, 224 बाई 224 पिक्सल्स बाय 3 कलर्स, मतलब कि जो इमेजेस हैं वो हमारी कितनी पिक्सल्स की हैं। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने मेंशन की है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ें, वीडियो पोस्ट करें, एक एक मतलब कि पॉइंट पढ़ें तो आपको आगे बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो मैंने इसमें मेथड्स भी लिखे हैं, समरी ऑफ मेथड्स, लाइक हमारे जो मेथड्स हैं, हमारे बहुत डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं, लाइक इसकी इसमें मैंने 2 टाइप्स के मॉडल्स यूज करें। ओके, फॉर कैलकुलेट द एक्यूरेसी एंड फॉर कैलकुलेट द लॉस। ओके, सो सबसे पहले इन कैप्शन V3, तो मैंने इसमें इन कैप्शन रेस्ट नेट V2B यूज़ किया हुआ है, वो मैंने नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में से बेटर कौन सा है, दोनों में से बेटर एक्यूरेसी कौन देगा, एक कोचेज दोनों में से कितने कितने नंबर्स के हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब मैंने डिस्क्राइब किया थोड़ा थोड़ा। इसमें हम टेंशन को कैराज ये सब लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। ओके, बाकी देख सकते हैं हम डाटा ऑगमेंटेशन करेंगे इसमें। तो ये समरी मॉडल्स की मैंने जो आपको डिस्क्राइब किया था, इंकैप्शन V3 एंड इंकैप्शन रेस्ट नेट V3 कि आप बाद में बहुत अच्छे से पढ़ें सकते हैं। ओके, और नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं इन पर सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ओके, सो जो हम जो मेन क्या होता है, जब हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं, हमने एनिमल्स की स्पीशीज़ को एनालाइज कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, लेकिन उसके बाद जो मेन वर्क होता है, जो हमारी जो इमेजेस हैं उसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी आई है, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए कोचेज लाइक दीज थिंग्स आर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, हम 2 टाइप्स के मॉडल यूज़ करेंगे इसमें, ओके, इनकैप्शन V3 एंड इनकैप्शन रेस्ट मैट V2। ओके, तो यहाँ पे जो लाइब्रेरीज हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है कि जो लाइब्रेरीज हैं टोटल नंबर ऑफ लाइब्रेरीज ये हैं, और इसमें जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज है, आपको पता ही होगा कि अगर हम CNN की बात करते हैं, अगर हम इमेज क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और इमेज डिटेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें पेंशन जो एंड कैरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है, तो वो इसमें हमने यूज़ किया है। ओके, तो आप लाइब्रेरीज के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, नहीं पता है तो प्लीज़ मेंशन करें, आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो नेक्स्ट, वेरीफाई किया मैंने वेरीफाई नंबर ऑफ इमेजेस इन ईच पार्टीशन। ओके, तो लाइक मैंने आपको बताया था इसमें हमने ट्रेनिंग लॉस कैलकुलेट करेंगे, बाद में वैलिडेशन लॉस कैलकुलेट करेंगे, एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैंने सेपरेट कर दिया ईच पार्टीशन। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक्यूरेसी, ओके, कैलकुलेट करिए
count per species in train data partition. Okay, so image count per species in train data partition. Okay, you can see this. Okay, bars are or train images species count. Like हमारे जो भी species का जो data set है, तो उसका हमने bar graph plot किया है. फिर हमने ठीक है, इसमें मैंने सभी headings दी हुई है, तो आप इस heading से बहुत अच्छे से कर सकते हैं. Like output जो आया हमारा ये आया, sample images for from train test and valid perform partition sorry. देख सकते हैं आप ओके, दीज आर द आउटपुट्स. सम आउटपुट्स लाइक हमारा मॉडल्स वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट हो गया है. तो हम क्लास इसमें मॉडल्स फॉर बर्ड स्पीशीज. ओके, सो इन कैप्शन B3 मॉडल हमने इसमें यूज किया डाटा जनरेटर्स. ओके, तो सबसे पहले हमको इसमें ये इंपोर्ट भी करना होगा, तो हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे कैराज और एप्लीकेशन डॉट इन कैप्शन अंडरस्कोर B3. ओके, तो ये इसकी प्रोसेस है. हमने इसमें जो कोर्सेज टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज जो होंगे हैं इसमें वो 100 यूज़ करें. ओके, 100 होते हैं इसमें, मतलब कि बहुत बेस्ट एक्यूरेसी देता है ये. अगर हम 100 कोर्सेज में यूज़ करते हैं और 150 अगर हम इन कैप्शन रेस्ट नेट वीडियो में यूज़ करते हैं, तो इससे हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है. ओके, नाउ स्टार्ट होता है इन कैप्शन रेस्ट नेट वीडियो. ओके, तो देख सकते हैं इसमें हमने 150 कोर्सेज यूज़ करें. ओके, तो इसमें जो हमारी एक्यूरेसी आई वो 96% आई है. ओके, एज यू कैन सी सॉरी 92% है इसमें हमारी जो एक्यूरेसी है. और ये हमने डायग्नोस्टिक डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ प्रोड्यूस किया है. ओके, तो यहाँ पे है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फॉर इन कैप्शन रेस्ट नेट B3 मॉडल. ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. अगर किसके पास कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं. एंड आप चैनल सब्सक्राइब करें.